तो ये सब क्या सही है? हमें किसी एक भगवान को चूज नहीं करना चाहिए कि हम जो कुछ मांगे उन्हीं से मांगे? और ये चीज़ मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं सही कर रही हूँ सभी भगवान को मान के, या मुझे अपना एक इष्ट देव चुनना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान रिएक्शन वन। आज मैं वीडियो पर रिएक्शन लेकर आए, एक हिंदू महिला जो पंडित देवकीनंद के पास आती है उसको और कहती है कि हम इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे भगवान की बजाय अगर एक भगवान की पूजा करें, जैसे राम है और शिव हैं, तमाम भगवान के में हैं, तो वो बोल रहे कि अगर एक एक भगवान की पूजा करें खाली, तो इसके बारे में पंडित देवकीनंद ने इसको क्या जवाब दिया, इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। उस महिला का सवाल भी बहुत ही ज़बरदस्त था पंडित से, तो देखते हैं पंडित ने इसके बारे में क्या जवाब दिया। उसके बाद हम डॉक्टर जाकिर नायक का वीडियो भी देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नायक का इसके बारे में क्या कहना है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही दिलचस्प होने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भी हैं, शिव जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, अलग अलग जैसे वाहेगुरु भी हैं। तो हम वैसे कहते हैं कि एक इष्ट देव बनाना चाहिए अपना, लेकिन अगर हम राम की कथा सुनते हैं तो हमारा राम के प्रति इतना प्यार हो जाता है, और कृष्ण की कथा सुनते हैं तो हमारा कृष्ण के चरणों में इतना प्रेम हो जाता है, शिवजी को भी हम बहुत मानते हैं। तो ये सब क्या सही है? हमें किसी एक भगवान को चूज नहीं करना चाहिए कि हम जो कुछ मांगे उन्हीं से मांगे? और ये चीज़ मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं सही कर रही हूँ सभी भगवान को मान के, या मुझे अपना एक इष्ट देव चुनना चाहिए। कि आपने कहा कई देवी देवता हैं, ऑब्वियसली हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन हमारा आराध्य हमारा इष्ट वो होता है जो हमारे गुरुजी हमें मंत्र देते हैं। जिस इष्ट देव का हमारे गुरुजी मंत्र देते हैं वही हमारे आराध्य होते हैं, और वही देवताओं को, जितने और देवता हैं उन सबको उन्हीं के रूप में प्रणाम करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि जब आपके गुरुजी आपको दीक्षा दे देते हैं तब आपको पता चलता है कि आपका इष्ट कौन है, उस इष्ट को आप आजीवन आराधिए, उनकी पूजा करिए। एंड आई मीन स्वामी विवेकानंद कॉलेज चेंबूर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दिस इज माय फर्स्ट टाइम टू अटेंड दिस टाइप ऑफ इवेंट, एंड आई एम ग्लैड टू से मुझे सर जी का जो स्पीच था वो बहुत अच्छा लगा, और मेरे मन में इस्लाम धर्म के बारे में जो गलत फहमियाँ थी वो एक चुटकी में ख़त्म हो गई। और मेरा पहला सवाल सर जी से ये है कि भगवान और अल्लाह एक ही है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर पहले एक सवाल का जवाब ये कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह दूसरा सवाल करें। भाई साहब ने कहा कि वो पहली बार ऐसे मजमे में मौजूद है और बहुत खुश है, एक चुटकी में उसके सारे गलत फहमियाँ इस्लाम की दूर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और उसका सवाल है कि क्या भगवान और अल्लाह एक ही है? इस सवाल के दो रुख हो सकते हैं, दो रुख आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है? हाँ एक है, एक ही है, दो तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते हैं वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें ये कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकता है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 में कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है स्वतः स्वतः उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालदेन नहीं है, कोई रब नहीं है, भगवान का कोई माँ नहीं है, कोई वालिद नहीं, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है स्वतः स्वतः उपनिषद में
चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, नात्यस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। ये दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्ष नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, इक्कम ब्राह्म देवत्या नास्ते नीना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो जब हम इस्लाम और हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे, हमें पता चलता है कि ईश्वर अल्लाह भगवान खालिक मालिक एक ही है, और उस खालिक मालिक ईश्वर भगवान अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। इस्लाम में हम ये नहीं मानते कि अल्लाह सुभाना व ताला खुदा खुसूसन सिर्फ एक कबीले के है या सिर्फ एक रंग के इंसान के है। इस्लाम ये नहीं तस्लीम करता, इस्लाम ये नहीं मानता कि अल्लाह सुभाना व ताला खुदा सिर्फ एक ग्रोह के इंसान के है, क्या एक रंग के इंसान के है या एक टाइप के इंसान के। लेकिन अल्लाह सुभान व ताला फरमाते हैं सूरह फातिहा में सूरह नंबर 1 आयत नंबर 2, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ है उस रब की जो सारे आलम का रब, आलमीन उसे कहा गया है रब्बुल आलमीन, ये सारे आलम का रब है, सारे आलमीन का रब है, सिर्फ एक ग्रोह का नहीं। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नास में सूरह नंबर 114 आयत नंबर 1, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कि वो रब्बुन नास है, सारे इंसानों का रब है, खुसूसन सिर्फ मुस्लिम का या अरबों का नहीं है, वो सारे इंसानों का रब है। और कई आयत है कुरान मजीद में जो शुरू होती है या अय्युहन नास, या अय्युहन नास, या अय्युहन नास, ओ इंसानों, ओ इंसानों। इस्लाम में अल्लाह सुभाना व ताला सारे आलमीन, सारे इंसानियत का रब है। और कुरान मजीद में आलमी भाईचारा के लिए कई फॉर्मूलाज दिए गए हैं, कई चीज जिक्र है कुरान मजीद में, सारे पॉइंट्स का जिक्र करने का वक्त नहीं है, कुछ चंद बातें करूंगा मैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32, अल्लाह ताला फरमाते अगर कोई भी इंसान कोई भी दूसरे इंसान का कत्ल करता है सिर्फ दो वजह को छोड़ के, एक वो कातिल हो या इस धरती पे फसाद कर रहा हो, ये दो वजह छोड़ के अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल किया। कोई भी इंसान चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, कोई भी दूसरे इंसान चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो उसका कत्ल करता है दो वजह को छोड़ के, वो इंसान कातिल नहीं होना चाहिए और इस धरती पे फसाद नहीं करना चाहिए। अगर वो दूसरे इंसान का कत्ल करता है मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल किया। और आयत में आगे ही लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान कोई दूसरे इंसान की जान बचाता है, वो ऐसा है कि सारी इंसानियत को बचाया है। कत्ल करना हराम है, ममनू है। तो गाइस ये थी वीडियो, में उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक सर का जवाब कैसा लगा आप लोगों को? एक लड़के ने जो पूछा कि भगवान अल्लाह एक है क्या, इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब भी दिया। हम मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।